तो फाइनली दोस्तों इंडिया में लॉन्च हो चुका है एलजी की तरफ से डब्ल्यू सीरीज, और यहाँ पे एलजी ने काफ़ी अच्छा काम किया है इस बार। तो आज हम इसी फ़ोन के बारे में बात करेंगे। हालांकि मैं इसके ऊपर एक पहली सी वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन उस वीडियो में मैंने इतनी ज़्यादा डिटेल में बात नहीं की थी, और आज मैं यहाँ पे डिटेल में इसके बारे में बात करने वाला हूँ। जब ये अमेज़न के लैंडिंग पेज पे लिस्ट हुआ था तब मैंने इसके बारे में बात की थी, लेकिन फिलहाल मैं आज इसके बारे में पूरी डिटेल बात करूँगा। तो बने रहना मेरे साथ इसी वीडियो में, और मैं इसके बारे में पूरी बात करूँगा, क्योंकि आज मैं यहाँ पे ये बताने वाला हूँ कि ये बेटर किन किन चीज़ों में है और किन किन चीज़ों में अच्छा नहीं है। तो आज खुल के बात करेंगे इसी एल जी के डब्ल्यू सीरीज़ के बारे में। बने रहना मेरे साथ इसी वीडियो में एंड तक। देखो यार, ये फ़ोन जो एल जी ने बनाया है वो एक कैमरा सेंट्रिक फ़ोन बनाया है, और यहाँ पे ट्रिपल सेटअप कैमरा आपको रियर में देखने को मिल जाता है, जो कि एल जी के डब्ल्यू थर्टी में देखने को मिलते हैं। एल जी के अगर डब्ल्यू टेन की बात करें तो वहाँ पर आपको डुअल सेटअप कैमरा देखने को मिलता है, लेकिन हम एल जी के डब्ल्यू थर्टी की बात करें तो वहाँ पर आपको ट्रिपल सेटअप देखने को मिल जाता है, जिसकी प्राइस एल जी ने 10,000 रुपीज़ रखी है। तो मेरे हिसाब से सही है वो प्राइस, और थोड़ा सा अगर प्रोसेसर बेटर और देखने को मिलता तो ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ पे आपको हीलियो का P22 देखने को मिलता है। अगर हम बात करें यहाँ पे एल जी के W10 की या W30 की, तो दोनों में ही आपको हीलियो का P22 देखने को मिलता है, और यहाँ पे एल जी के W30 जो प्रो आएगा उसमें आपको स्नैपड्रैगन का 632 प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि ठीक है, उसको भी ठीक ही कहेंगे। मतलब प्रोसेसर्स के मामले में ये इतना ज़्यादा कन्फिगर नहीं किया गया है, लेकिन हाँ अगर हम बात करें यहाँ पे कैमरा को काफ़ी ज़्यादा मतलब यहाँ पे देखा गया है। ट्रिपल सेटअप कैमरा आपको 10,000 के प्राइस रेंज में बहुत ही कम देखने को मिलता है। आपको इन्फिनिक्स का फ़ोन देखने को मिल जाएगा, जो कि ट्रिपल सेटअप के साथ आता है, और वो भी 10,000 के प्राइस के अंदर देखने को मिल जाता है। लेकिन और कोई भी ब्रांड अभी 10,000 के प्राइस के अंदर ट्रिपल सेटअप कैमरा नहीं दे रहा है। और अगर हम बाकी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे आपको जो डिस्प्ले है वो 6.26 इंच की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो कि एक IPS LCD वाली डिस्प्ले है, और 720p वाली डिस्प्ले है, तो HD+ है, लेकिन फुल HD+ आपको ये देखने को नहीं मिलती है। और अगर हम बात करें यहाँ पे डिज़ाइन के बारे में, तो डिज़ाइन आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है, मतलब देखने में काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगती है, बट ऑफकोर्स यहाँ पे पॉलीकार्बोनेट वाली ही डिज़ाइन है, बट हाँ बैक में आपको ग्लास जैसा फिनिश देखने को मिलता है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे प्रोसेसर की, तो ऑलरेडी मैंने बता दिया कि हीलियो का P22 आपको देखने को मिलता है, जो कि ओवरऑल ठीक ठाक परफॉर्म करता है, और ऑफकोर्स ये इंडिया को देखते हुए बनाया गया है। तो यहाँ पे मतलब आप जानते हो कि 5,000 से लेकर के 15,000 तक के प्राइस के सेगमेंट में सबसे ज़्यादा फ़ोन बिकते हैं, तो इसी रेंज को देखते हुए LG ने इस फ़ोन को बनाया है, जो कि एक कैमरा सेंट्रिक फ़ोन है, और कैमरा काफ़ी अच्छा वैसे भी इसका परफॉर्म कर रहा है। और ट्रिपल सेटअप कैमरे की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो प्राइमरी कैमरा है वो 12 मेगापिक्सल का आपको देखने को मिलता है, और 13 मेगापिक्सल का यहाँ पे आपको एक वाइड एंगल कैमरा देखने को मिल जाता है, उसके साथ में 2 मेगापिक्सल का आपको एक और कैमरा देखने को मिल जाता है, जो कि आपको यही तीनों सेटअप देखने को मिल जाता है। अगर मैं यहाँ पे फ्रंट कैमरे की बात करूँ तो 16 मेगापिक्सल का आपको फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है, जिसमें डिटेलिंग काफ़ी अच्छी देखने को मिल जा रही है। मैंने बाकी भी सारे रिव्यू वीडियो देखे, या जिनके पास फ़ोन आ गए हैं उनकी वीडियोस देखे, और हो सके तो आप ये वाली वीडियो को काफ़ी ज़्यादा शेयर करना, ताकि LG के पास तक पहुँच सकें, और बाकी सारे ब्रांड्स तक भी मतलब मेरी वीडियो को शेयर कर दिया करो, ताकि शायद वो रिव्यू के लिए मुझे भेजने लगे, अभी तो नहीं बट कुछ टाइम बाद ज़रूर। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे स्टोरेज वेरिएंट की, तो यहाँ पे दोनों ही फ़ोन आपको 3GB 32GB स्टोरेज के साथ देखने को मिलते हैं, मतलब जो LG का W10 और W30 है दोनों ही सेम वेरिएंट के साथ देखने को मिलते हैं। दोनों की प्राइस अलग अलग है, 899 और यहाँ पे 999 देखने को मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे जो LG का W10 है उसकी डिस्प्ले आपको थोड़ी सी कम देखने को मिलती है, जो कि 6.16 इंच की आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो कि वो भी एक 720p वाली डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। और LG का जो W10 है उसमें प्रोसेसर आपको सेम देखने को मिलता है W30 की तरह से, और वहाँ पे भी आपको हीलियो का P22 ही देखने को मिलता है। और मैं अगर बात करूँ वहाँ पे फ्रंट कैमरे की, तो वो आपको 8 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है, और अगर मैं बात करूँ वहाँ पे रियर कैमरे की, तो वो आपको 13+5 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे बैटरी की, तो यहाँ पे आपको 4000mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, और इसमें 10W का चार्जर आपको बॉक्स में ही देखने को मिल जाता है। हालांकि इसमें फास्ट चार्जर नहीं है, बट हाँ फिर भी ठीक ठाक सा आपको माइक्रो USB वाला चार्जर देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिकेशन की, तो वो मैंने सारी बातें आपसे कर ली है, और एक छोटी सी आपको एक और बात बता देता हूँ कि जो इसका स्पीकर है वो काफ़ी ज़्यादा लाउड और काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगर आपको म्यूज़िक पसंद है तो आप इसको बिल्कुल से परचेज़ कर सकते हो, मतलब बहुत अच्छा आपको इस प्राइस रेंज में आपको काफ़ी अच्छा जो साउंड है वो देखने को मिल जाएगा। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे गेमिंग की, तो यार उतनी अच्छी गेमिंग नहीं होगी, क्योंकि हीलियो का P22 जो है वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता है। मतलब अगर डेली टू डेली लाइफ की बात करें तो काफ़ी ठीक ठाक और ओके सा परफॉर्म करेगा, लेकिन उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा जैसे स्नैपड्रैगन के 632 या 636 या कोई पुराना ही प्रोसेसर आप मान लो तो उसके जितना नहीं, बट हाँ ओवरऑल ठीक ठाक परफॉर्म करेगा, क्योंकि रियलमी के C2 में आपको यही प्रोसेसर देखने को मिल जाता है।
जो कि आपको 6000 के प्राइस पे देखने को मिलता है। और अगर मैं बात करूँ इसकी बाकी चीज़ों की, तो यहाँ पे जो ये फ़ोन है वो एंड्रॉयड पाई पे रन करता हुआ देखने को मिल जाएगा, जो कि स्टॉक एंड्रॉयड के साथ आता है। तो ये काफ़ी अच्छा मुझे लगा कि आपको 9000-10000 के प्राइस के अंदर आपको स्टॉक एंड्रॉयड का फील देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। उन्होंने खुद का UI नहीं यूज़ किया तो अच्छा है, बढ़िया चीज़ है। तो दोस्तों लास्ट में मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि ये फ़ोन आपको परचेस करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। दोनों ही गुड और बैड मैं आपको यहाँ पे डिस्प्ले पे शो कर दूंगा, और आप मतलब अपने हिसाब से डिसाइड कर लेना कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। अगर आपकी प्रायोरिटी जिस हिसाब से होती है आप चूज़ कर सकते हो। वैसे मैं अगर अपनी बात करूँ तो यहाँ पे काफ़ी ठीक ठाक सा फ़ोन लॉन्च किया है LG ने, और ये LG की पहली शुरुआत है कि उसने इस प्राइस सेगमेंट में अपना कदम रखा है। और ऑफकोर्स इंडिया के लिए एक बजट सेगमेंट प्राइस में एक फ़ोन ला करके दिया है, और इससे काफ़ी हेल्दी कॉम्पिटिशन और भी देखने को मिल जाएगा, तो ये काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। बाकी आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो कि आपको ये फ़ोन परचेस करना है या फिर नहीं करना है। बाकी मैं यहाँ पे आपको गुड और बैड तो दोनों चीज़ें दिखा दूंगा। तो दोस्तों बस इतना ही था इस वाली वीडियो के लिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में। जा करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इसी तरीके की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आती रहती है मेरे चैनल पे हर दूसरे दिन में या तीसरे दिन में। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जाकर के मुझे सारे सोशल मीडिया लिंक्स पे भी फॉलो करना। बाकी मुझे ये बताना मत भूलना कि आपको ये LG के W सीरीज़ कैसी लगी, कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।